बगल में देखो यहाँ पे ये सारे डिब्बे हैं, यहाँ पे बनेंगी पेंटिंग्स, यहाँ देखो यहाँ पे लिखेंगे आई लव कंडोली। दोनों टीमों के फैंस में कसमकस देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कोटा जीतेगा पक्का। मूल मंत्र देखना जो दोस्तों, सबसे पहले प्रणाम और शिवा सोली आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज साल का पहला दिन है, तो सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे पूरे गांव की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में बिल्कुल खुशियां ही खुशियां भर दे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें, यही हमारी दिल से दुआ है। तो जैसे कि आप सभी को पता है नए साल का दिन है, तो नए साल के दिन में सभी यहाँ पे नए साल के उपलक्ष में सभी इकट्ठा हो रखे हैं। तो ये देखिए, ये सारे हमारे गांव के हैं। सबसे पहले सभी को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद मुबारकबाद। और दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड का ट्रेडिशनल डांस है चोपला, अभी थोड़ी देर में वो भी करेंगे हमारे गाँव की सभी महिलाएं। तो एक बार फिर से सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसा प्रोग्राम हम हमारे गांव में हर साल करते हैं, जब कोई भी त्योहार होता है तो हर त्योहार में ऐसा प्रोग्राम होता है, एकजुटता बनी रहती है पहाड़ों में। मतलब ये हमारे गांव में नहीं, हर जगह ऐसे ही है पहाड़ों में कि एकता है अभी भी गांव में, क्यों जी? है ना। और क्या बोलते हैं कि विधायक साहब जी द्वारा हमें एक कंप्यूटर दिया गया था, अभी उस चीज का भी उद्घाटन करना है। आज नया साल है, नया दिन है नया साल का, तो उस चीज का हमने सोचा है कि काफी दिन पहले हमारे पास आ गया था पर हमने सोचा कि उस चीज का उद्घाटन टाइम आते ही अच्छे दिन में करेंगे। तो कुछ ऐसा है कंप्यूटर रूम। तो दोस्तों, अभी न्यू ईयर का प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया है और अभी हमारी तैयारी है दुना महादेव जाने की। वहाँ आपको पता ही है कि टूर्नामेंट चल रहा था, तो उसी टूर्नामेंट का आज फाइनल खेला जाना है, तो उसी फाइनल के लिए हम जा रहे हैं। अभी लगभग 12 बजे का टाइम हो गया है, काफी लेट हो चुका है, पर फिर भी देखते हैं, क्या पता आधे फाइनल तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। और साथ ही मौसम देखो, मौसम कितना मस्त हो रखा है। और मौसम के ठीक बगल में देखो यहाँ पे ये सारे डिब्बे हैं, यहाँ पे बनेंगी पेंटिंग्स, यहाँ देखो यहाँ पे लिखेंगे आई लव कंडोली। पहुंच चुके हैं हम दुना के ठीक ऊपर, अभी जा रहे हैं फील्ड की तरफ। टॉस हो गया है, ठीक हो गया है कि हम लेट नहीं हुए, मतलब ठीक टाइम पर पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में लाइव प्रसारण होगा। तो यहाँ देखो भाई साहब, फाइनल का रोमांच, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। रोहित शाबाश बेटा, ठीक टाइम पर पहुंच गया मैं, मतलब देर हो जाने में ठीक टाइम। हाँ तो चलिए, अब नया मैच, क्या बोलते हैं, फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला है। फाइनल की पहली गेंद, वाओ, पहली बॉल में छक्का, क्या बात है यार, गजब। दूसरी बॉल, वाह क्या बात है यार, गजब गजब यार,
यही होता है, यही होता है फाइनल देखने का रोमांच यार। भाई साहब दो सांड टकरते हैं ना जब अपने आपस में, तो दस सांडों की लड़ाई होती है, वैसी लड़ाई हो रही है यहाँ पे। शाबाश, क्या शॉट है यार, गजब यार। गजब यार, एक और लग गया यार। भाई साहब भाई का रन अप देखो, भाई साहब जितनी खतरनाक रन अप उतनी खतरनाक बॉल फेंकता है। भाई साहब इसकी टांग दिखी भी नहीं, बॉल इतनी तेज फेंकी उसने। गजब यार, गजब लड़के। ओ क्या बात है यार, गजब यार। पहली बॉल में छक्का, दूसरी बॉल में आउट। यहाँ पे दोनों टीमों के फैंस में कसमकस देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कोटा जीतेगा। पक्का? हाँ। क्या बात है, आप में काफी जोश नजर आ रहा है। और सही चल रहा है मैच? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ भी फैंस ही फैंस बैठे हैं, यहाँ भी कसमकस चल रही है दोनों फैंस के बीच। ये काना मल्ला के फैंस है, ये कोटा वाले हैं। कौन जीतेगा? कोटा जीतेगी, बाकी कौन? अरे वाह क्या बात है, फुल कॉन्फिडेंस में। गजब यार, भैंस की टांग। दुना महादेव का खिताब जीत लिया है कोटा महादेव ने। क्या बात है यार, गजब का मैच हुआ, मजेदार। कांडा मेला उपविजय रही, मतलब उपविजेता रही, बढ़िया गेम था, ठीक था यार, मजा आ गया। फाइनल ऐसा होना चाहिए, बढ़िया हो गया। फाइनल देखने आए थे, फाइनल भी पूरा हो गया, मजा आ गया यार। हम तो पैदल बटा रहा, तो चलिए जी, पहले साल में हमने घूम भी लिया, मैच भी देख लिया। अब सर साल वाला मैच ही देखना। ऐसा होता है क्या, जो पहले बल्ब पहले दिन होता है ना साल का, बल्ब अगर आप कुछ उस दिन करो ना तो वही होता है। यहाँ देखो यार, मार्क्स में एक नंबर के है यार, क्या बोलूं आप यार। यहाँ देखो, मैंने ये फोटो खींची और मैं ही नहीं हूँ इस फोटो में। उन्होंने वो ही रहा। देख रहा है ऐसे ऐसे है यार, आप नहीं खींचे मैं तुम्हारे। हाँ मतलब ही मेरी फोटो यार, मेरी मिली खींच, मेरी फोटो नहीं है। ये होता है यार, बहुत ना इंसाफ किया। हाँ यार, तो दोस्तों माफी चाहता हूँ कि लास्ट में मैंने आपको विनिंग मोमेंट जो वाली ट्रॉफी होती है वो आपको नहीं दिखा पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और कोटा टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने कि टूर्नामेंट विन किया, क्योंकि इसलिए नहीं दिखा पाता यार, क्या पता गाड़ी का इशू हो जाता है हमारे यहाँ से, इधर के लिए गाड़ियाँ मिलती नहीं है, और फिर मैं वहीं रुक जाता ना, फिर मुझे गाड़ी नहीं मिलती थी, तो मैंने पैदल पैदल लगे रहना था रात भर। वैसे भी ठंड का माहौल है, वैसे चलते चलते गर्मी हो ही जाती है, और फिर भी कोकी की तबीयत देखते हैं कैसे। कोकी, हाय 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 मेरी जान, ठीक ठाक ठीक ठाक। पता कल क्या हुआ इसके साथ, कल की कहानी बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंडाले दिख रही होगी, यहाँ पे ये वाली कंडाल देखो, यहाँ तो इस वाले झाड़ी में पड़ गया वो सीधा, और भाई साहब इतना मोटा हो गया उसका पैर, और ऐसे रो ही रहा था पूरी रात भर, कल पूरे सुबह से रात तक मैंने तो बड़ा बह हो गया उसका काम पर। रात को ना मतलब ऐसा हो गया था ना, ऐसा कर रहा था ना वो भाई साहब, डर लग गया यार, मैंने कहा बह हो गया इसका काम अब, पर चलो भगवान की कृपा थी तो उसे कुछ नहीं हुआ, और वो ठीक ठाक है इस टाइम अभी।